हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटीआर 2A क्या है, उसका रिकंसिलेशन करना है 20 अक्टूबर से पहले। तो क्यों ये रिकंसिलेशन करना है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, और अगर ये रिकंसिलेशन नहीं किया गया तो क्या होगा। आज इस वीडियो में हम यही सब बातें डिस्कस करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहे इस वीडियो के साथ, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले, और ये करना बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटीआर 2A क्या है। जब आप जीएसटी की वेबसाइट ओपन करते हैं तो अगर आपने नोटिस किया हो, आपको बहुत सारी रिटर्न्स दिखाई देती हैं, और उनमें से एक होती है जीएसटीआर 2A, जो आपको अभी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही है। ये होती है ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स। ये डाटा आता कहाँ से है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप किसी पर्सन से परचेज करते हैं तो उसके लिए बन जाती है वो सेल, और उसे अपनी सेल का डाटा जीएसटीआर 1 फाइल करके शो करना होता है। तो उसे अपनी जीएसटीआर 1 में सारा डाटा, जो भी उसने सप्लाइज की हैं, वो दिखानी होती है। जैसे ही वो अपनी जीएसटीआर 1 को भरता है, आपके पास वो डिटेल्स मंथ वाइज जीएसटीआर 2A में शो होने लगती हैं। जिस भी मंथ में उसने आपकी परचेज को दिखाया है, वो आपको उसी मंथ में जीएसटीआर 2A में शो होने लगती है। अब आप जीएसटीआर 2A को चाहें तो ऑनलाइन व्यू कर सकते हैं, या चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसे एक्सेल में डाउनलोड करने की भी ऑप्शन आ गई है। जैसे आप इसको व्यू करते हैं, तो व्यू करते ही आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे ऑप्शन शो होने लगती हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। इसमें वो सारा डेटा टेबल वाइज होता है, B2B इनवॉइसेस के लिए अलग, क्रेडिट डेबिट नोट के लिए अलग, अमेंडमेंट टू B2B इनवॉइस अगर कोई की होती है, या क्रेडिट डेबिट नोट की। तो इस तरह से टेबल्स में आपको ये सारा डेटा शो होता है। एक्सेल की अगर आप शीट डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी आपको एक्सेल में इसी तरह से शीट्स मिलेंगी, जिसमें आपका डेटा आपको शो होगा। ये मंथ वाइज डिटेल्स होंगी, किस बेसिस पे होंगी, जो जीएसटीआर 1 फाइल की होंगी सप्लायर ने। तो अब हमने बात कर ली जीएसटीआर 2A क्या है, कैसे उसे देखना है और कैसे उसे डाउनलोड करना है। अगर आप डाउनलोड की पूरी प्रोसेस देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो को मैंने आई बटन पे लिंक कर दिया है। अब हम बात करेंगे डेट की, जो हम 20 अक्टूबर लास्ट डेट की बात कर रहे हैं। ये डेट कहां से आई, क्यों ये रिलेवेंट है, 20 अक्टूबर ही लास्ट डेट क्यों है, कोई और डेट क्यों नहीं हो सकती। तो इसको समझने के लिए हम सीजीएसटी एक्ट के रूल नंबर 16(4) की बात करेंगे, जिसमें बताया गया है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर के आईटीसी को अवेल करने के लिए लास्ट डेट क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं उस रूल की तरफ। हम यहाँ पे बात करेंगे सीजीएसटी एक्ट के रूल नंबर 16 के सब रूल 4 के बारे में। इसमें लिखा है, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ विच सच इनवॉइस और इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट प्रिटेन और फर्निशिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो रूल 16(4) हमें कहता है कि आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो भी आईटीसी है किसी भी गुड्स या सर्विस का, वो आप ले सकते हैं फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद भी। कब तक, या तो सितंबर की रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो, या फिर एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो, उन दोनों में से जो भी डेट अर्लियर हो वही आपके लिए एप्लीकेबल होगी। तो अभी राइट नाउ जो हमारा सिनेरियो है, सितंबर की रिटर्न जानी है 20 अक्टूबर को, 3B की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो और एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट है 31। तो ऑफकोर्स आपके लिए जो रिलेवेंट डेट यहाँ पर हो गई पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो हो गई 20 अक्टूबर। तो आई होप अब आपको क्लैरिटी हो गई है कि 20 अक्टूबर की डेट की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आप ले सकते हैं। कब तक, 20 अक्टूबर तक। अब कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट आपसे मिस हो गया है, उसकी डेट की हमने बात कर ली, पर वो आपको पता कैसे चलेगा, यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम कहें कि जीएसटीआर 2A तो हमने समझ लिया, हमने लास्ट डेट 20 अक्टूबर के बारे में भी बात कर ली कि क्यों है 20 अक्टूबर लास्ट डेट। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट मिस कर दिया है, या फिर हमने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है, जीएसटीआर 2A में तो शो ही नहीं हो रहा। उसी के लिए आपको करना है जीएसटीआर 2A का रिकंसिलेशन। तो अगर आपने
कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट मिस कर दिया है तो अभी आपके पास टाइम है, 20 अक्टूबर तक उसे ले लीजिए। आप सितंबर की जो GSTR 3 भी जानी है 20 अक्टूबर को, उसमें अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का जो भी ITC आपका मिस हो गया है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपने तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया पर जिनसे आपने परचेज की उन्होंने अपनी GSTR 1 या तो फाइल ही नहीं की, या फिर उसमें आपके GSTN पे शो नहीं किया, या फिर आपका GST नंबर गलत डाल दिया, इस वजह से भी आपके GSTR 2A में शो नहीं हो रहा है। तो आपको उनसे बात करनी है, जो जिनसे आपने परचेज की है आपको उनसे बात करनी है। वो अभी चाहें तो अपनी GSTR 1 अमेंड करके आपके नाम पे इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट तो ले लेते हैं पर वो GSTR 2A में शो नहीं हो रहा, तो डिपार्टमेंट उसे क्या करेगा, डिपार्टमेंट उसे रिजेक्ट कर देगा और फिर आपकी आउटपुट लाइबिलिटी में उसे ऐड कर देगा और फिर आपको विद इंटरेस्ट उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को पे करना होगा। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है GSTR 2A को 20 अक्टूबर से पहले, इवन 20 अक्टूबर की डेट का भी वेट मत करिए, अभी इसे रिकनसाइल कर लीजिए। अब तो बहुत अच्छी ऑप्शन भी आ गई है एक्सेल में डाउनलोड करने की, एक्सेल में डाउनलोड कर लीजिए। एक्सेल का डाउनलोड अभी मंथ वाइज अवेलेबल है, आप मंथ वाइज डेटा को चाहें तो एक्सेल को ही कंसोलिडेट करके और अपना पूरा रिकनसिलेशन कर लीजिए। तो रिकनसिलेशन से आपको क्या क्या मिलेगा, पहला या तो आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट मिस कर दिया, मतलब GSTR 2A में कोई बिल शो हो रहा है और आप लेना भूल गए तो वो आपको मिल जाएगा, वो गलती आप ठीक कर लेंगे, या फिर आपने तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया पर सप्लायर ने वो नहीं दिखाया तो आप अभी उनसे बात कर सकते हैं और उसे ठीक करा सकते हैं। तीसरी एक गलती और हो सकती है कि आपके GST नंबर पे किसी पर्सन ने कोई इनवॉइस एंटर किया हुआ है जबकि आपने ऐसी कोई परचेज की ही नहीं, तो इस केस में भी आप चाहे तो सप्लायर या जिस भी पर्सन ने ऐसा डाला है उनसे बात कर सकते हैं, पर अगर आपको वो पर्सन नहीं पता कि किसने आपके नाम पे वो डेटा डाल दिया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में ना तो आप ITC क्लेम करेंगे और ना ही आपको फिर वो अवेलेबल होगा। तो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया है कि GSTR 2A क्या है, GSTR 2A का रिकन्सिलेशन 20 अक्टूबर से पहले क्यों करना है और अगर आपने रिकन्सिलेशन नहीं किया तो फिर क्या होगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, अगर हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करिए और शेयर भी करिए और भी छोटे छोटे जो पर्सन हैं जो GST की रिटर्न्स खुद फाइल करते हैं उनके साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय।